जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में बदमाश अब बेलगाम होते जा रहे हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते आम जनता इन असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी सहने हेतु विवश है। ऐसा ही मामला इंदिरा नगर बस्ती में देखने को मिला, जब यहां स्थित एक घर में बाइक सवार कुछ हथियारबंद लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया। करीब 10 से 12 लोगों ने घर में न केवल पत्थर चलाए बल्कि हथियार लहराकर परिवार के लोगों को चुनौती भी दी। वहीं घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने रांची थाना पहुंचकर पुलिस को भी दी, लेकिन आज तक रांची पुलिस ने इन बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार मिल रही धमकियों के चलते भयजदा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की। पुलिस के लोगों का कहना है कि इससे पूर्व भी इन लोगों के द्वारा उनके भतीजे पर चाकू से हमला किया गया था, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई थी। संभवतः उसी मामले को लेकर बदमाश परिवार के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, बावजूद इसके पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हम लोग रांची थाना अंतर्गत इंदिरा नगर व्हीकल मड़ई दुर्गा मंदिर के पास से आए हैं, ठीक है। विगत 18 तारीख की रात, मतलब 17 तारीख की रात, 18 तारीख रात के 12 बजे के बाद हमारे इंदिरा नगर में एक घटना हुई, जिसमें ये कि कुछ असामाजिक तत्व लड़के हथियारों के साथ लैस प्लस पत्थरबाजी के साथ आकर घर में घुसने की कोशिश की, घर में तोड़फोड़ करी, गाड़ियां तोड़ी और बाहर रखे उठाकर गाली गलौज करके चीपी पटकी, हथियार लेकर धमकाने की कोशिश करी। ये ऐसे अपराधी हैं, ये पहले से भी इनका रांची थाना में इनका रिकॉर्ड है, पहले से भी ये चाकूबाजी की केस में भी इनका थाने के अंतर्गत केस चल रहा है। ऐसे 5-6 मामले हैं और पत्थरबाजी की घटना हमारे यहाँ आए दिन होती रहती है, मोहल्ले पड़ोस में भी ये पहले घटना हो चुकी होंगी। कितने लड़के आए थे? लगभग ये 4 मोटरसाइकिल में इन लोग आए थे, 3-3 होके 12 लड़के आए थे। 12 लड़के में जिसमें कि 4 लोग की शिनाख्त, मतलब देखी हुई, 5 लोग का नाम आया है जो कि पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है, बाकी 12 लोगों में कुछ लोग अज्ञात होंगे। आप लोगों को क्या रिकॉर्डिंग है? आप लोगों को वीडियो, इन सभी घटना की रिकॉर्डिंग है। बाहर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग है। बकायदा पुलिस के ऊपर अपन ने केस दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हम एसपी कार्यालय में आए हुए हैं, उसी को लेकर, उस संज्ञान को लेकर हम आवेदन देने आए हैं कि क्या चाह रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं सर कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे असामाजिक तत्व के ऊपर ठोस कार्रवाई हो। सर उस दिन की रात में हम अकेले ताला डाल के अंदर आ रहे थे, तो कुछ लड़के आए, फटाफट उन लोगों ने चीप पत्थरबाजी करी। एक लड़का सूरत है, एक शादी में गया था। कितने लड़के थे, कितनी गाड़ियों में? जी 12 लड़के थे।